बस अल्लाह ना करे किसी को इसे दिन देखना पड़े। और हंड्रेड में मुझे चीज की नजर लग रहा था कि मैं रो गया तो ऊपर चले जाऊँ से वहाँ आते हुए, मतलब मेरी पूरी बॉडी यहाँ से वहाँ हिल रही थी। मेरे को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर, वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर, मेरे को कुछ होश नहीं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो ये ब्लॉग का इंतज़ार आप सभी को बहुत टाइम से था, जब से मेरी डिलीवरी हुई तब से। सो टाइटल देख के समझ ही गए होंगे क्या चीज़ मैं बना रही हूँ ब्लॉग। सो बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपकी जर्नी बताओ, आपके साथ क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ, नॉर्मल हुआ या ऑपरेशन हुआ। सो वो सब चीज़ों के साथ मैं आ चुकी हूँ नए ब्लॉग के साथ। सो मैं नहीं चाहती थी कि ये चीज़ किसी और के साथ हो। जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी हूँ, जो चीज़ मेरे साथ हुई है, वो चीज़ ना अल्लाह ना करे किसी के साथ हो। सो इसलिए मैं ये ब्लॉग बता के आप लोगों को अवेयरनेस दे रही हूँ कि ये चीज़ पे ध्यान देना ज़रूर। जो चीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दी थी और वो चीज़ मेरे साथ हुई, बट वो सब अल्लाह की मर्ज़ी रहती है, जो भी हुआ है। सो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती, ना ही आप लोग कुछ कर सकते हो। सो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी जर्नी के बारे में। सो आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है, सिर्फ लेबर पेन हुआ था मेरे को, वो सभी आप लोगों का आइडिया है कि मैं जो डाली हूँ वही आप लोगों को पता है। जो मतलब अंदर की जो बातें हैं वो सब आप लोगों को नहीं पता है, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करती होगी। तो 22 अक्टूबर जिस दिन मेरा बर्थडे स्टार्ट हुआ था 12 बजे, सो तभी से मुझे लेबर पेन का दर्द चालू हो चुका था। सो मैं पूरा स्टार्टिंग से बताती हूँ क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं। सो 22 को मेरी बर्थडे, जैसा देखा है आप लोग ने ब्लॉग में कि सेलिब्रेट किए थे दानिश ने, तो मैं वहाँ पर भी घर पर वहाँ से सेलिब्रेट करके मैं इधर आ गई थी। यहाँ पर भी सेलिब्रेट हो गया था, फिर वापस हम लोग घर पर गए थे, तब बज चुके थे 3:30 या 3 बज चुके थे। तभी भी मेरे को इतना कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, बट 3 बजे हम लोगों ने खाना वाना खाया, तब मेरे को अचानक से पेट में कुछ ना कुछ होने लगा था, मतलब दर्द जैसा होने लगा था। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद से खाना खाई हूँ उसकी वजह से हुआ है या कुछ हुआ है, क्योंकि फॉल्स लेबर होता है, हमेशा सबको होता है फॉल्स लेबर। मतलब ऐसा डर रहता है ना कि अभी जब माँ को पता है कि टाइमिंग आ गया है अपना डिलीवरी का, तो वो अपने पर वहम बैठ जाता है कि अभी होने वाला है, अभी होने वाला है। सब सेम चीज़ मेरे साथ भी होती थी कि जरा सी पेट उतर तो मुझे रहता था अरे वो फिर स्टार्ट हो गया शायद से। तो ये सब चीज़ें रहती है, सब चीज़ें दिमाग में आती रहती है। सो उस दिन ऐसा हो रहा था मेरे साथ के पेट डूब रहा था, तो वो टाइम में मैं इग्नोर करी, मैं बोली नहीं जानते फॉल्स लेबर है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर उसके बाद खाना वाना खा लिया, उसके बाद हम लोग ऐसे बैठे, तो वो दिन है ना मेरे को पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, क्या पता है जब अजीब ही बेचैनी हो रही थी। और उनको वो टाइम पे स्लो दर्द हो रहा था, तो आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था, तो मालूम नहीं पड़ रहा था। तो फिर मैंने किसी को बताई भी नहीं थी वो टाइम पर, फिर मुझे ज़्यादा दर्द होने लगा था, तब मैं जाके सो गई जब सब, क्योंकि मुझे ऐसा था कि शायद नहीं होगा, ये फॉल्स लेबर होगा, सबको बता दूँगी तो और दर्द नहीं आएगा। तो ये चीज़ भी होती है कि सबको मालूम पड़ जाता ना कि तुम्हारी डेट आने वाली है, तो वो दिन और मतलब वो टाइम पे और लेट होता है बेबी, कि सबको आस हो जाती है कि अरे अभी आएगा अभी आएगा, सब वो रीज़न से। तो ये सब चीज़ें गलतियाँ होती है, तो ये फॉल्स लेबर वजह ये थी, क्योंकि वो टाइम में भरोसा इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि इससे पहले भी जब मेरे को 9th मंथ स्टार्ट हुआ था उसको 10 दिन हो चुके थे, तभी भी मुझे ना ऐसा फील हो गया था क्योंकि अचानक से मेरा पेट में दर्द होने लगा था। तो मैंने डॉक्टर को बोली, डॉक्टर ने बोले थे हॉस्पिटल चले जाते, मैं हॉस्पिटल गई भी थी। एनएससी टेस्ट होता है जो हार्ट बीट देख के डॉक्टर समझ जाते हैं कि लेवर पेन का दर्द है या नॉर्मल टॉयलेट का दर्द है, तो वो सब चीज़ें उन लोग को मालूम पड़ जाती। तो मैं एडमिट जाके मतलब हॉस्पिटल चली भी गई थी, वो लेबर मतलब मेरे को ऐसा लगा था वो लेबर पेन स्टार्ट हो गया, मतलब वो लेबर पेन नहीं था फॉल्स लेबर था। तो सेम वैसी चीज़ मेरे को मेरी बर्थडे के टाइम पे हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि फॉल्स लेबर इसलिए किसी को अफवाह बताना नहीं है, इसलिए मैं किसी को बताई नहीं थी, ना ही मैंने दानिश को बताई थी, ना मेरी मम्मी को बताई थी, ना किसी को बताई थी। तो फिर हो चुका ये हो गया, मतलब 22 की रात पूरी ऐसी गई मेरी। 23 की और सुबह मतलब जैसे फजर हो गई, फजर के बाद 8 या 9 बजे मम्मी और ये लोग सब गए थे हॉस्पिटल नीदा को लेके। सो वो टाइम पे ही मेरे पास मौका था कि मैं बताऊँ मम्मी को कि मेरे को ऐसा 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 हो रहा है, पेन हो रहा है मेरे को, लेकिन मैंने नहीं बताया, बोली नहीं फॉल्स फेवर है कभी मेरी। और वो दिन मेरी बर्थडे थी और मैं दुआई करी थी कि अल्लाह करे मेरी बर्थडे के दिन ही बेबी आ जाए, क्योंकि साथ में बर्थडे हो जाएगा हम लोग का और हमको खुशी भी होगी कि मेरी बर्थडे के दिन ही हुआ। लेकिन ऐसा मैं दिमाग में सोच रही थी बट हुआ नहीं था। तो वो चीज़ अगर मैं वो दिन ही चली जाती तो शायद से वो दिन ही डिलीवरी हो जाती मेरी, बट नहीं हुआ ऐसा कुछ भी पॉसिबल। सो फिर हम लोग सुबह चले गए थे, सुबह मैंने फिर मम्मी को बोली नहीं थी मैंने कुछ भी। फिर शाम को ना मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, तो मैं गई डॉक्टर के पास, मम्मी को बोली कि मम्मी मेरे को बहुत रात से हो रहा है, मम्मी चिल्लाने लगी कि क्यों बताई नहीं है वो। तो लोग ऐसा था कि नहीं शायद फॉल्स लेबर हो सकता है, इसलिए मैंने कुछ बताई नहीं आप लोग को। तो फिर मैं मम्मी और दानिश और अब्बा हम लोग सब चले गए थे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने बोले कि तुम्हारी 1 सेंटीमीटर जगह ओपन हो चुकी है। तो वो टाइम पर मुझे
एकदम अलग ही खुशी हुई कि अल्लाह चलो अब फाइनली दे दिया है, क्योंकि वो टाइम पे 23 वो था और 23 की शाम थी, बट शाम थी तो डॉक्टर ने, मैं पूछी डॉक्टर को कब तक डिलीवरी होगी, तो उन्होंने बोले रात को भी हो सकती है, सुबह भी हो सकती है और नेक्स्ट डे की शाम भी हो सकती है, वो डिपेंड है कि तुमको कैसा पेन आ रहा है। तो उन्होंने बोले अभी तुम टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से जाके एडमिट हो जाओ। फिर डॉक्टर के पास से चेकअप करा के डॉक्टर ने जैसे ही बोले कि हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो हम लोग आ गए थे घर पर। घर पर आने के बाद भी मम्मी ने मेरे को दिए थे काली चाय और मस्का, क्योंकि बोलते हैं उससे दर्द आता है ज़्यादा, क्योंकि मुझे रुक रुक के आ रहा था तो वो अच्छा नहीं था रुक रुक के दर्द आना, तो इसके लिए उन्होंने मुझे काली चाय और मस्का दे दी थी कि उससे हो जाए फट से, तो वो चीज़ भी मैंने पी ली थी। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल सब तैयारी के साथ और एक्साइटेड के साथ कि अभी बेबी आएगा बेबी आएगा। सो हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद मेरे को लेबर रूम में लेके गए लोग, लेबर रूम में मतलब रूम है उधर, उधर लेके गए, उधर जाके मेरा एनएसटी टेस्ट करा। एनएसटी टेस्ट वो होता है जो बेबी की धड़कन वहाँ पर सुनाई देती है और मालूम पड़ता है कि उसकी हार्ट रेट कितनी है, तो वो करा है मेरा। उसके बाद लोग ने मुझे एंटीबायोटिक्स दवा दिए, इंजेक्शन का आईवी के अंदर इंजेक्शन चढ़ाए मेरे को कि मेरे को पेन आवे, सो वो सब भी हो गया था। फिर भी मुझे पेन नहीं आया था जितना आना चाहिए। तो फिर उसके बाद रात हो गई थी, रात के कुछ 2 बज गए थे। उसके बाद उन्होंने बोले थे कि सुबह तक देखो पेन आता है क्या नहीं आता। तो फिर 5 बजे फिर मेरे को पेन नहीं था ज़रा भी। 5 बजे फिर मुझे लेके गए वापस से लेबर रूम में, अपने वार्ड में चले गए जहाँ पर मेरे को रूम था। फिर उसके बाद वापस लेके गए मेरे को लेबर रूम में। लेबर रूम में किसी को भी आना अलाउड नहीं है सिवाय मेरे पेशेंट के, मतलब बाकी ऐसा आके अंदर आके देख सकते वो भी सिर्फ लेडीज़ लोग, कोई जेंट्स नहीं आ सकता उधर भी। तो मैं अंदर अकेले थी वहाँ पर, मुझे 5 बजे एनिमा दी गई। फर्स्ट टाइम मैंने एक एनिमा लगा था, वो टाइम पर मैं एकदम डर रही थी, तो मम्मी बोलते थे कैसे ऐसा होता है, वो टाइम पर मुझे सब समझा दी थी कैसे ऐसा चीज़ होने वाली थी सब। ये एनिमा हो गया। एनिमा के बाद 5 बजे सुबह के फजर में एनिमा लगा। एनिमा के बाद 7 बजे मुझे लोग ने पेन का दर्द का वो दिए थे, गोली दी थी जिससे मुझे पेन आ गया। सो 7 बजे वो दिए थे, तभी भी मुझे पेन नहीं आया था। 7 से लेकर 9 बजे तक के 2-2 घंटे के हिसाब से देख रहे थे लोग, तो 7 से 9 बजे के बीच में ही मुझे नहीं आ रहा था पेन। फिर 9 बजे मुझे वापस से एक गोली दिए थे, तो उससे मुझे थोड़ा थोड़ा पेन आने लगा था। तो फिर 11 बजे मेरे डॉक्टर आने ही वाले थे, तो 9 बजे मुझे ऐसा पेन हो रहा था कि पेट में मतलब पेट ऐसा कर रहा था कि पेट काट के निकाल दो ऐसा दर्द हो रहा था। फिर भी मम्मी बोलते कि एक्चुअल लेबर पेन जो था वो देखो नहीं आ रहा था जैसा आना चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत रुक रुक के आ रहा था, मतलब 2 मिनट रुक रहा था 5 मिनट दर्द दे रहा था, 2 मिनट रुक रहा था 5 मिनट दर्द दे रहा था, दर्द हो रहा था मुझे। तो फिर 11 बजे डॉक्टर है, 11 बजे डॉक्टर ने बोले कि तुम्हारी 3 सेंटीमीटर जगह ओपन हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। तो फिर 11 बजे उन्होंने बोले कि अब कोशिश करते हैं 1 बजे तक हो जाएगा, अगर 1 बजे भी नहीं हुआ तो फिर 4 या 5 बजे तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी इंशाल्लाह से, तो कोशिश हम लोग पूरी करेंगे। सो मैं खुश हो गई कि चलो शाम तक के मतलब बेबी आज आने वाला, वो भी नॉर्मल आने वाला, क्योंकि सी सेक्शन से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती थी, तो नॉर्मली हो सकती थी तो नॉर्मल का ही हम लोग स्टार्टिंग से डॉक्टर को बोले डॉक्टर नॉर्मल करना, तो उन्होंने बोले बेफिक्र हो मेरे से होगा तो मैं नॉर्मल ही करूँगी। और माशाल्लाह से मेरे डॉक्टर इतने अच्छे हैं ना, मैं अभी भी मैं इतनी तारीफ़ ही करती हूँ कि अभी भी जाती हूँ तो भी, तो मतलब उनके जैसे कोई डॉक्टर है ही नहीं ऐसा लगता है। तो सभी 11 बजे भी हो गया उनका डन, तो 11 बजे चेक करके क्या करना, वो 3 सेंटीमीटर ही ओपन हुई। तो 1 बजे फिर वो डॉक्टर ने RMO जो वहाँ पर रहते हैं उन लोग ने 1 बजे चेकअप, 11 बजे डॉक्टर को चेक करके चले गए थे 3 सेंटीमीटर जगह ओपन हुई थी। तो 1 बजे फिर RMO जो वहाँ के लोग होते हैं वहाँ पर डॉक्टर के असिस्टेंट्स, तो उन लोग ने आके चेक करे, तो उन लोग ने देखे तो तब तक 4 सेंटीमीटर ओपन हो चुकी थी, है ना, वॉटर हाँ 4 सेंटीमीटर जगह ओपन हो गई थी। तो उन लोग ने फिर डॉक्टर ने मेरी डॉक्टर ने उन लोग को बोला कि वाटर बैग जो है वो ब्रेक कर दो। तो उन लोग ने वो ब्रेक किए तो देखे उसके अंदर, तो बेबी ने उसके अंदर मेरी टॉयलेट कर दी थी, तो वो रीज़न की वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर बोले कि देखो तुम्हारे ऊपर, तुम लोग को ऑपरेशन कराना है या नॉर्मल कराना है वो तुम लोग डिसाइड करके बताओ, क्योंकि नॉर्मल कराएंगे तो रिक्स है बेबी को, मेरे को तो कुछ नहीं होगा, जो भी होगा बेबी को होगा, उसको NICU में लगना पड़ेगा, उसके जो लीवर्स है लंग्स है उसके अंदर अगर वो टॉयलेट खा गया तो उसको रखना पड़ेगा NICU में। तो वो रीज़न की वजह से कि हम लोग फिर थोड़ा इजी का हो रही थी वो टाइम पे, जो मेरा रोना स्टार्ट हो, जो मेरा रोना स्टार्ट किया, मतलब वो टाइम पे ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मेरे को नॉर्मल की कोशिश थी बट ऑपरेशन करना पड़ा था वो टाइम पे, तो एकदम हालत बोलते ना एकदम डाउन हो गई थी, एकदम रोना 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 आ रहा था। तो वो टाइम पे किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया था। तो फिर वो टाइम पे डॉक्टर ने फ़ोन किया, डॉक्टर ने बात बात की मम्मी से कि कौन सी ऐसा सिचुएशन हो गई है,
क्या कर सकते, नॉर्मल नहीं हो रहा है, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर दानिश को पूछे कि क्या करना है तुमको, मतलब हस्बैंड से पूछ लो उनके कि ऑपरेशन करना है या नहीं। तो दानिश ने बोले कि आप लोग को जो सही लगता है वो करो, क्योंकि हम लोग को तो मालूम नहीं है ये सब चीज़ की। तो दानिश से पूछे, दानिश ने हाँ बोल दी। तो उसके बाद उन्होंने पेपर लेके आए, पेपर पे साइन करे दानिश ने, उनको मैं दादा ने देख के साइन देख के दानिश की तुम बोल गई कि मतलब तो वो बाहर क्या सोच रहा होगा कि मतलब ऑपरेशन हो रहा है, ये हो रहा है। मेरे को भी अंदर वही फिक्र हो रही थी कि बाहर वो क्या सोच रहा होगा। तो वो टाइम पे ऐसा हाथ फाँप रहे थे ना साइन करने के लिए मेरे, मतलब वो टाइम पे उसको समझ में नहीं आ रहा ऑपरेशन करना, हम सुन के इतना डर लगता था, इतना डर लगता था। वो चीज़ ही होती है, तो मैं ये चीज़ बता दूँ कि ऑपरेशन मतलब अपन जो सोचते हैं ना कि ऑपरेशन होगा वो नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ ही होती है। मैं ना स्टार्टिंग से ऑपरेशन की डरती, क्योंकि जब मैं एडमिट हुई थी, आप लोगों ने देखे होंगे वो व्लॉग भी, मैं जब एडमिट हुई थी तो मेरे सामने एक केस हुआ था, जो लड़की ऑपरेशन करने गई थी मतलब, तो उसका वहाँ पर ही इंतकाल हो गया था। और ना उसका बेबी जो था वो अलाइव था, और वहाँ का इंतकाल क्योंकि ऑपरेशन में उन्होंने ऐसा कुछ नस काट दिए थे जिससे उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं रही थी। तो वो सब चीज़ों से मैं एकदम डर गई थी, मैं वो हॉस्पिटल भी जाने डरती थी। बट बोलते ना नसीब में जो होता है वो चीज़ होनी होती है, ऑपरेशन लिखा था तो ऑपरेशन ही हुआ। तो ऐसे भी कितने मुझे कॉमेंट्स आते थे कि क्या हमें कॉमेंट्स आते थे ना बहुत उड़ती है ये है, हाँ। तो ये सब चीज़ भी मेरे दिमाग में घूम रही थी कि अल्लाह ना करे मेरे साथ ये सब चीज़ें हो। तो इसलिए बोलते सोच समझ के कॉमेंट क्या करो ज़्यादा, मतलब ये सब कॉमेंट मत करो जिससे सामने वाले को भी हर्ट हो। तो वो टाइम पे मेरी हिम्मत बहुत उड़ गई थी, बट मैं एकदम स्ट्रांग थी, मेरे को ऐसा था कि नहीं मतलब मैं हिम्मत वाली हूँ, मैं कर सकती हूँ। वो टाइम पे ऐसा हो गया था, वो टाइम पे सब लोग मतलब बोलते ना एकदम इमोशनल हो गए थे, और मैं तो इतना रो गए। और साइन करने टाइम पे ऐसा हाथ का प्रार्थना लिटरली, बस अल्लाह ना करे किसी को ऐसा दिन देखना पड़े, और ऑपरेशन थिएटर तो देखना ही ना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर में जो चीज़ थी नजर लग रहा था कि मैं रो गया तो ऊपर चले जाऊँगी, क्योंकि जब वो लोग ने मेरे को सुन लिया था ना तो मेरी पूरी बॉडी मतलब कांप रही थी। मैं यहाँ से वहाँ यहाँ से मतलब मेरी पूरी बॉडी यहाँ से वहाँ खींच रही थी। मैं यहाँ से ऊपर का ऊपर जो था वो ही थे मतलब था बॉडी, मेरी बॉडी पूरी सुन थी। मेरे को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर, वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर, मेरे को कुछ होश नहीं। और ऑपरेशन तो हो गया, उसके बाद भी मेरी ना जो बॉडी शिवर कर रही थी, मेरी हालत ऐसी हुई थी वो टाइम पे। बस अल्लाह किसी को भी ये दिन मत दिखाए, जितना हो सके नॉर्मल डिलीवरी हो, ऑपरेशन किसी का भी नहीं हो। तो बस यही रीज़न की वजह से मेरा ऑपरेशन होना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी भी मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मेरे को इतना दर्द होने के बाद भी मैं अस्पताल के नहीं, मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ बनाते रहूँ। बस ऐसी दुआ करते रहो मेरे लिए, मेरे बेबी के लिए, कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ठीक है। और बस यही दया करते रहो, यही स्टोरी थी हमारी। और बाकी सब तो आप लोगों ने व्लॉग में देख ही लिए होंगे कि मेरी कैसी हालत थी, क्या थी, जो भी सीन था बस आप लोग को बता दी। सो फिलहाल के लिए बस दुआ करते रहो कि सब चीज़ अच्छे से हो जाए, और जल्दी मेरी बेबी बड़ी हो जाए, उसको भी माशाल्लाह से कुछ तकलीफ़ नहीं है और मुझे भी कुछ तकलीफ़ नहीं है। तो बस मैं यही ब्लॉग एंड कर दी, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आप लोग को डरा रही हूँ या कुछ ऐसा। तो मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं कभी हॉस्पिटल गई नहीं थी, पहली बार था, इसलिए मेरे साथ ऐसा सिर्फ हुआ है। तो मेरे को वो सब सोच के तकलीफ़ होती है, बट आप लोग ऐसा डरो मत, कोई भी जो होता है वो होना रहता है, बस अल्लाह को याद करते रहना वो टाइम पे भी। और बस मैं इसके आगे का आप लोग को नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है, जो भी था अभी आप लोग ने देख लिए थे। बस ये ऑपरेशन थिएटर तक के ही मुझे आप लोग को बताना था, उसके बाद से सब चीज़ ब्लॉग में हो ही गई थी रिवील। सो बस मैं यही ब्लॉग एंड कर रही हूँ, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।